सोनी और उवैस के लिए, मेरे को खास दोस्त है उनके लिए आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे ये दूसरा मेरे ख्याल में स्पा है, इससे पहले पुणे में एक है, तो ये तीसरा होने वाला है मेरे ख्याल में। आज फोर्थ है, मैं बाउंड्री मार दिया गया। तीसरा चौथा स्पा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्तों ने बहुत इतना अच्छा काम किया। मैं अभी देखा नहीं अंदर गया नहीं, बट अंदर जाने के बाद मुझे तो 100% मैं श्योर हूँ कि ज़बरदस्त स्पा होगा इंशाल्लाह। अभी तो रोज़े में हूँ तो इंशाल्लाह अभी आज सर्विस नहीं ले सकूँगा कुछ भी, शायद मैं भी अगले टाइम आऊँगा तो ज़रूर स्पा यूज़ करूँगा। सर, IPL इज रनिंग, क्या चांसेस लग रहे हैं, कौन सा टीम ऐसा है जो प्रबल दावेदार लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि प्रेजेंट फॉर्म में शायद मुंबई इंडियंस जीत सकते हैं। ये मुंबई में है तो मुंबई का ही नाम लेना पड़ेगा। इंडिया में वेरी गुड चांस बिकॉज वी हैव अ वेरी बैलेंस साइड, वी हैव गॉट गुड बॉलर्स, वी हैव गॉट गुड बैट्समैन एंड देन आवर फील्डिंग इज वेरी गुड एंड इंप्रूव्ड अ लॉट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी हैव अ गुड चांस। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ इंडिया डजंट विन द वर्ल्ड कप। आई एम होपिंग दैट वी विल इंशाल्लाह ब्रिंग बैक द कप। क्या हुआ करंट फॉर्म जो है विराट कोहली की कैप्टनशिप में भी काफी नीचे गिरा है? नहीं तो देखिए, हर बार एक प्लेयर हर बार तो ऊपर रह नहीं सकता, कभी कभी अप एंड डाउन होता है लाइफ में, बट उनका जो रिकॉर्ड है और उनके जो स्टैटिस्टिक्स है मेरे ख्याल में, अब उसको देखते हुए आप एक आध परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान या हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि मुझे उन्होंने अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप के लिए सेव किया हो। एंड जस्ट वन मोर थिंग, अदरवाइज दिस वर्ल्ड कप इज अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट वेयर ईच टीम विल प्ले अगेंस्ट ईच टीम, हाउ टफ इज दिस फॉर्मेट कंपेयर्ड टू अ सुपर सिक्स और अ नॉकआउट स्टेज? आई थिंक व्हेन यू आर प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल ऑल द फॉर्मेट्स आर वेरी टफ, सो व्हेन यू नो द फॉर्मेट यू हैव टू गो अकॉर्डिंगली एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट एंड देन मेक श्योर दैट आई मीन थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू, बिकॉज इफ यू स्टार्ट वरिंग अबाउट द फॉर्मेट then the format is not your headache, the performance is your headache. I mean if you do well, I mean any format is good. Thank you. Sir, next question wala, what do you think about OIS? Mere dost hai, mere bahut purane dost hai dono log, aur mere khayal mein encouragement karna chahiye kyunki main aane se mere khayal mein encouragement unko sunaunga. Main to utna young nahi hu but lekin young logon ke liye zyada spa hai, तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑल ओवर जस्ट पुणे या बॉम्बे ने ऑल ओवर इंडिया में स्पा खोले। अजहर भाई यंग भी है, फिट भी है, सुपर फिट। Merchandises which is inside, which is really cool, like the towels, the robes, the soaps, the shampoos, all the things, all the products that you can use. I feel like the services they're providing is very special and it's new in Bombay, which is like really really cool. I got the chance to see all the spa rooms, which was really exciting. It gives you a very relaxing atmosphere for someone who wants to just come and just you know just rest and have a really nice massage and of course in a very luxurious way. Thank you. Everyone, you are naturally so beautiful. I mean, do you require any kind of makeup and all these artificial? Everyone requires makeup. Yes, of course I require makeup. I do take care of my skin, I drink a lot of water, I use organic products, and of course resting up, having good sleep plays a big role in good skin and looking fresh. Oh yeah, so that's yeah. Of course in Remillor and Fitomer. Yeah. So I think it's really important that we mention that Ms. Mar uses natural products that are done really well and are good for your skin, and you get like really good results. Spa in today's life is very important because the lifestyle of people is too hectic and stressful. Yeah. So you need to take out little bit of time for yourself. It's like me time for yourself. So we want to give that me time a special twist to that by giving more of luxury and nice soothing place. So I would definitely try the Versace massage. Yeah, I would try that. I think that's unique. Yeah, this is a special massage with you. Yeah. Versace massage. And I will try that. Yeah. Try everything. I love her. Like she can come every day, no problem. You guys were also recommending the facials. Yes. Yeah.
We have Fitomer and we have Remilor Facial, which is a French brand. The brand ambassador is here, right here, Miss Rekha Chaudhary. And that's all. So congratulations to Ms. Van Spa. It is so beautiful, and being as a wellness ambassador for India, 95 countries we are working on the wellness initiative. And especially I would like to say about and congratulate to this spa, because this is the first spa in India who has collaborated with the Versace. So it's the biggest achievement. And apart from that, this brand, what they are using, Remilor and Fitomer, it's an award-winning brand. It's a completely natural brand. And I'm sure you must be loving, like, you know, all whenever you are putting any product on the face or body, it should be authenticity. It product should have the authenticity and it should have the natural ingredients. And this is what I would like to say about this fight. Congratulations to all of you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, okay, so obviously to wrap up, I think what is more the most important part of this spa opening is the fact that they provide a lot of organic, natural products, which I think everyone needs today. And for people who have a very hectic lifestyle, like someone like me, having a spa go-to place like Ms. Mar, it's very important for people like us. And I just think like anybody, you know, housewives, people who are working, people who, you know, do night shifts, people who take care, work out, gym, anyone who's looking out to, you know, looking out for a more healthy lifestyle, I think it's great to take the time out to do spas regularly, to do facials regularly, to get massages and just be more relaxed.